खाने की खुशी में कौन आ रहा है? कोई है बस, जिसने पकोड़े खाने हैं ना वो काले पकोड़े खाना पसंद नहीं करता, कोई नहीं बनाता। आशा का मुंह देखने वाला था जब मैंने आशा अपने चाय आपको कैमरे में दिखा नहीं सकती क्या आशा दिखा है, मुझे चाय पसंद ही नहीं है ज्यादा। मुझे अच्छा लगता है खाना पीना, खाना पीना। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइब्रेरी मरियम में। तो कैसे हैं आप सब? मेरे सब हैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आज की मेरी वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया, ज़रा पहले से ज़रा हटके आया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली हर न्यू वीडियो तक पहुँचेगी। और मेरा इंस्टा भी आज भी फॉलो करें, जो देख रहा है ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो अब ना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि बस मेरी वीडियो का टाइटल यही है ना कि किसी की आने की खुशी में मैं हम बहुत कुछ बना रहे हैं, किचन में सब मौजूद है। अम्मी भी मेरे साथ कुकिंग करेंगी और साथ आशा भी होगी और मैं भी सब होंगे मिलके। तो क्या हो सकता है, आप गेस करें। चले चलते हैं किचन में और आप मौसम भी देखें कितना अच्छा मौसम है, शाम का टाइम है। तो चलिए किचन में मैं आ रही हूँ और यहाँ पे ज़ियान भी खेल रहा है और अम्मी भी आ रही हैं। हाँ अभी मरियम क्या कर रही हो आज, क्या बना रही हो? इस खुशी में बना रही हो ये सब? आपको पता है आने की खुशी में कौन आ रहा है? कोई है बस, तो इसकी आने की खुशी में थोड़ी सी चीज़ें बना रही हूँ मैं, कुछ स्पेशल चीज़ क्या क्या बनानी है बना रहे हम ना। मैं सोच रही हूँ ना अभी पता करें, हम पकौड़े बना लेते हैं, सही है ठीक है ना। पकौड़े बनाते हैं, अम्मी भी साथ हेल्प करेंगे, अम्मी को बहुत अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। क्या मरियम मैं तुम्हारे साथ बनाऊँ, चलो आप बताएं मुझे। अब चले नहीं खुद ही बनाओ, तुमने इतने अच्छे गुड़े चावल बनाए थे। चलो ठीक है, बाप भी अच्छा बनाती हो, पहले भी बनाती थी। चलो सही है, हाँ मैं ना प्याज काटती हूँ पहले। ये चुटका ले दिया ना हमने, अनमोल खाई? हाँ खाएंगे, और क्या खाएंगे, सब खाएंगे, सब खाएंगे। क्या खाने रही हो? ये ना पकौड़े बनाने रही हूँ, फ्राई फ्राइज भी क्योंकि पकौड़े मुझे बनाने आते हैं, आप ये ना समझो मुझे नहीं आते ये पकौड़े बन रहे हैं, अम्मी के साथ के बन रहे हैं, ताकि अम्मी ना ये ना कहे कि मरी तुम साथ के बने हैं, अम्मी के साथ हो रहा है। मुझे थोड़ा सा शक होता है कि ये ना कोई गड़बड़ ना कर दे, गड़बड़ कर दे, मुझे अपने मसाला कर दे, ये बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं, चम्मच दो चम्मच, क्योंकि चीजें ना इसको पसंद है वो डालती है कुछ मुझे, क्योंकि आज मैंने भी खाना है। ये चम्मच चलो दो, ये भी थोड़ा सा ना मैं डालने लगी हूँ लहसुन और साथ में थोड़ा सा सूखा धनिया इसमें डाल दूँ, बेसन में ऐड करना है सारा कुछ। तो बेसन में ये पकौड़े बना रही, इसमें प्याज ऐड करेगी, हरी मिर्चें और साथ हरा धनिया और साथ ये बस सिंपल से पकौड़े हैं। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किसकी आने की खुशी में ये चीजें बन रही हैं। वो ना भी डाल दो थोड़ी, चलो बस दो तीन चीजें ऐसी थी जो ना मैं डालती जा रही थी, जो मरियम नहीं डालती थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। मैंने कोई मीठा सोडा नहीं डाला, सोडा में डालती है मरियम लहसुन ऐड करती है। लहसुन ना, लहसुन में मुझे एक ना किसी ने बताया हुआ है, मैं फिर बताऊँ तुम लोगों को, फिर लोग यही कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं बताया, बस चची ने बताया। चची भी मेरी ऐसे करती थी ऐड, हम बचपन में देखते थे, और मैं हमेशा जब भी ना पकौड़े बनाती हूँ ना ये लहसुन ऐड करती हूँ, क्योंकि मम्मी इतना शौक नहीं था कुकिंग का उनको, बहुत ज्यादा था, बहुत मजे का बनता है। मैं कहती हूँ क्या खुशबू आती है, फिश की खुशबू आ रही है पकौड़ों में। अम्मी से ज्यादा उनको कुकिंग करना बहुत पसंद था, मुश्किल मुश्किल रेसिपीज बनाना चची को। ये देखो प्याज और मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड करने लगी हूँ, और नमक भी डाल दिया है। अम्मी नमक डाल दिया है, नमक डालते हैं, चलो हरा धनिया भी ऐड करें, हरा धनिया भी डालने लगे हैं। चलो जी हरा धनिया भी चला रहे हैं, नमक तो पहले डालें, नमक अभी डालेंगे तेज ना हो जाए, क्योंकि अम्मी ने खाना है इस वजह से। अम्मी आपको इतना पसंद है आजकल पकौड़े खाना? अम्मी को बहुत पसंद आया हुआ है, अम्मी के लिए बहुत फायदेमंद है इस दफ़ा। नहीं कुछ नहीं होता, बेसन खाना चाहिए। हाँ बस ऐसे मिक्स कर लो इसको हल्का सा ना, थोड़ी सब ये भी मिर्चें डाल देते हैं, ये नहीं ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है। उसको आगे करो, अब पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं, इसका बैटर रेडी करते हैं। अब जैसे इसका बैटर रेडी होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एक चीज कि मुझे किसी ने पार्सल भेजा बहुत ही प्यारा, कि अब उसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है आयशा, ठीक चलते हैं। तो चलिए, जो मुझे पार्सल आया है m.i फैशन कलेक्शन की तरफ से, तो चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन करती हूँ। बॉक्स तो वैसे मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, चलें तो इसमें से ये निकला है, इसे ओपन करते हैं बाद में, अभी पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये एक बॉक्स निकला है, ये देखें,
ये ऐसे, और ये एक चीज़ ये निकली है इसमें से। चले मैं ओपन करती हूँ, मैंने क्या क्या भेजा है, इस तरह बना हुआ है ये देखें, बहुत ही प्यारा ये, वाओ। ये देखें एयरिंग्स आएंगे, और ये इसके साथ ही गले में चेन, वाओ बहुत ही प्यारा है। ये देखें बहुत प्यारा लगा मुझे, ये देखें इस तरह बना हुआ है, देखें सबसे मुझे बेस्ट ये लगा, बहुत ही प्यारा। और ये साथ ही है देखें एयरिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे लॉन्ग भी आए एयरिंग्स, ये देखें इस तरह बने हुए एयरिंग्स। कैसे लगे आशा, कैसे? बहुत ज़बरदस्त, मुझे दे दो। आशा को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो आशा को बहुत पसंद आए ये वाले, और मुझे भी सबको ये अच्छे लगे हैं, सब देख के कह रहे हैं मुझे दे दो। आशा भी कह रही है और भी लोग हैं जो कह रहे हैं मुझे दे दो। ये देखें बहुत ही प्यारे हैं। और इसके साथ इस पैकेट में क्या है, ये पैकेट खोलो, इसमें ये देखें। पहले तुमको समझ नहीं आई ये क्या है, फिर तुमको समझ आ गई आस्ता आस्ता के ना, ये इस तरह मतलब कपड़ों पे ना गले पे लगता है ऐसे करके, शर्ट पे ना आप लगवा सकते हैं ऐसे करके। ये फैशन फिर आ गया, बहुत पुराना फैशन था, अब फिर ऐसा फैशन आ गया। तो अच्छा ये कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा है ना? मेरे पास है एक शर्ट ब्लैक में, घुमाऊंगी ये ऐसे, अच्छा बहुत प्यारा कलर आया येलो। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी चीज़ें भेजी, m.i फैशन कलेक्शन की तरफ से मुझे चीज़ें आई हैं, और इनके पेज पे आप जाएं, इनको फॉलो करें, इनको विजिट करें, इनके फॉलोअर्स से आप ज़्यादा कर दें। तो इनके पास हर तरह की ज्वेलरी कलेक्शन है, मतलब बहुत ही खूबसूरत इनके पास चीज़ें हैं जो मुझे ये हमेशा देती रहती हैं, तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, एयरिंग्स और साथ लॉकेट सेट्स वगैरह जो भी हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बैंगल्स वगैरह टॉप्स जो भी। इनके पेज को आप फॉलो करें और विजिट करें, और लिंक मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, और मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी ये इनका लिंक ना मेंशन कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच। तो हाँ जी बैटर रेडी हो गया पकौड़ों का, आशा देखें अब कितना अच्छा लग रहा है, इसकी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है ना, देखें बहुत अच्छा। प्याज वाले पकौड़े मैं बड़ा शौक से खाती हूँ, कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं तो मुझे आलू पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्याज वाले पकौड़े बड़ा शौक से खाती हूँ, मुझे इसमें खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देखो अनमोल के यहाँ पे फ्राइज हो चुके हैं, नमक मैंने लगा दिया है, अब इसमें मैं लगाने लगी कॉर्न फ्लावर थोड़ा सा डालूंगी, और इसको मिक्स करेंगे हम, ठीक है थोड़ा सा। और क्या कह रही है अनमोल, क्या लेना है, क्या खाना है? अब एक और चीज आएगी मॉल में, कह रही है मैंने ये खाना है। हाँ। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? पापड़। अनमोल ये खाएगी शौक से, दादी जान लिखा हुआ है, दादी जान। खाएगी आप, खाओगे? ये मॉल के लिए हो जाएगी, अभी नहीं, पहले मैं ये चीजें रेडी कर लूंगा, ठीक है? ठीक है चलो, सबसे पहले हम बनाएंगे पकौड़े, फ्राइज बाद में बनाते हैं, ठीक है चलो, ये मिक्स हो गए हैं चलो। तो चलो जी फ्राई करते हैं, फ्लेम ऑन कर लिया, ऑयल भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अम्मी आ चुकी हैं अपने पसंद के पकौड़े बनाने के लिए। चले अम्मी आप पकौड़े करें फ्राई, और मैं खड़ी होती हूँ यहाँ पे, चले शाबाश। मैं ना हाथ से बनाती हूँ, चले बनाए। हम सोच रहे थे कि मतलब ये जो है टाइम है जिस तरह से हम बना रहे हैं, तो इसमें ना अम्मी के हाथ के पकौड़े खाने का बहुत मजा आता है। वो मरियम बनाएगी, चलो ठीक है, क्योंकि हमने अपने अपने हाथ लिए बना ली है, बाकी हम जब आशा वगैरह में हम खाएंगे अपना ये बनाएंगे, बस बाद में। चलो पहले इसके वजह से एक लग गया थोड़ा सा, फिर बनाते हैं अभी प्याज में कोई मसाला शौक से खाती हूँ। अच्छा एक बात तो पता है कि सबको पता ही है, एक गोभी पकौड़ा भी होता है, आज गोभी बनी थी, काश मुझे पता था फूल ले निकाल लेती गोभी। बैंगन पकौड़ा भी होता है, बैंगन लौकी का भी होता है, जो बैंगन पकौड़ा था हम लोग बड़ा शौक से खाते थे हमेशा से, तो ज्यादातर मैं क्या बड़ा शौक से खाते थे। देखे पकौड़ों की लुक देखे कितनी प्यारी है, अम्मी के हाथ के पकौड़े बने हैं, माँ के हाथों की जो चीज होती है बहुत मजे की होती है। चलो इसे निकालते हैं, अब हो गए हैं,
काले ना हो जाए। मरियम हो गए हैं, दिखाओ मुझे ज्यादा, वो ना कर देना ब्राउन ना हो जाए, बस हो गए। निकालते हैं हम, जिसमें ज्यादा बैटर चीजें हो ना वो जल्दी से हो जाते हैं पकौड़े, प्याज ज्यादा हो, मटेरियल, धनिया। मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ ना तो हमेशा ना चीजें मैं ज्यादा इसमें ऐड करती हूँ, जो बैटर होता है ये पतले मुझे अच्छे नहीं लगते। ये बैटर ज्यादा डालती है बेसन। हाँ हम ना दूसरी चीजें ज्यादा डालते हैं। तो हो गया काले में, हाँ, हो गए हो गए। जिसने पकौड़े खाने है ना वो काले पकौड़े खाना पसंद नहीं करता। तो मैं दूसरे भी डाल दूँ? नहीं मैं डालती हूँ। हाँ ऐसे डालते हैं सही। मैं तो उसके लिए कह रही हूँ ना कि अम्मी कह रही है अपने हाथ धोने ना करें, इसलिए मैं कह रही हूँ डालती हूँ। चलिए अम्मी डाल दें, आज अभी बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे पकौड़े बना लिए हैं। आज मेरी बेटी निकल रही है, अल्लाह करे अम्मी इससे खुश रहे हमेशा, और इसी तरह पकौड़े बनाती रहे। चले जी हो गया काम, अम्मी ने बहुत जल्दी कर दिया, अम्मी जब बाजू में डाल दें काम। अभी तो पकौड़े डाल के चले गए, मैं इनको पलटने लगी हूँ, मैंने कहा काले ना हो जाए, हमेशा ऐसे होता है ना काले हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इतना पकौड़े पकौड़े हो गए हैं आज तो। आज मैं पता सोच रही थी दही बूंदी बनाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है पकौड़े सही हैं। तो चले जी दूसरी शिफ्ट भी हो गई है, वो बड़े बन चुके हैं, इसे निकालते हैं अब। बस हो गए हैं, ऑयल निकालो अच्छी तरह। चलो ये रमजान की वीडियो में आपने देखा होगा, हर वीडियो में आशा ने यही कहा है मरियम ऑयल निकालो अच्छी। हाँ एकदम साफ कर लेते हैं इसलिए, अभी ऑयल बीच में होता है इसलिए बाद में वो पकौड़े ना खराब हो जाते हैं, ऑयल निकालना नहीं होता ठीक से, फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। तो मैं सोच रही थी मैं दही बूंदी खाते हैं आज, तो मैंने सोचा पकौड़ों को मैं दही में मिक्स करके खा लूँगी आज। तो ठीक है ऑयल बंद करो, पकौड़े हमारे रेडी हैं और बहुत जल्द रेडी हुए हैं क्योंकि अम्मी मेरे साथ ही सोचा सर। तो एक पिक्चर भी करें आप, तो अच्छा गेस करें अम्मी के कौन से थे मेरे कौन से थे। ये वाले अम्मी के थे और अम्मी के पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत मज़े के लग रहे हैं। वो रेडी करते हैं जल्दी डाल दो वरना। चने जी हो गए हैं फ्राइज, मोर्स बन गए हैं, इसका भी ऑयल निकालना अच्छे से। हाँ जैसे निकालूंगी। अच्छा आपने काम करना है अब, चाय रखनी है, चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको, चाय आपसे अच्छी कोई नहीं बनाता। आशा का मुंह देखने वाला था जब मैंने कहा आशा आपने चाय बनाई है, आपको कैमरे में दिखा नहीं सकती क्या आशा ने कहा। मुझे तो चाय पसंद ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ नाश्ते पसंद है। काम का है तो आशा का मुंह बन गया, मुंह नहीं बना आपसे का है, मैं खुद बना लूंगी कोई नहीं। इस टाइम चाय नहीं दिल कर रहा पीने का, इस टाइम में दिल करता है चाय पीने का, और कौन सा टाइम है आपका मुझे बताओ। चलो हो गए अच्छे से, ऑयल निकलना चाहिए फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ तो चलो जी फ्राइज रेडी हो गए हैं मोल के, बहुत ही प्यारा कलर आया है देखिए, कॉर्नफ्लावर लगाया था लाइट था मैंने तो ये कलर इतना अच्छा आया। चलें अब इसकी बारी आती है, आपको तो पता ही होगा सब लोग बचपन में बहुत अच्छे से खाते थे मुझसे, हम भी खाते थे पापड़ खाते हैं उसको, वो मुझे कह गई है मेरी फ्राइज थोड़ा सा मुझे बना दें। जल्दी करो प्लेट अपना बन गए समझो प्लेट हो गए जैसे बन गए जादू है ये एकदम बन गए हो गए जादू है ये जादू वाले बन गए से निकालते हैं ये रिंग है मैं अंगूठी पे पहन के खाऊंगी है अंगूठी में पहन के खाएंगे तो अनमोल के पापड़ भी रेडी हो गए हैं और अब मैं चाय रखने लगी हूँ क्योंकि इन चीजों के साथ हम चाय पियेंगे। चलें
तो ये देखिए चाय मैंने रख दी है, सब कुछ डाल के मैं इसी तरह चाय बनाती हूँ। आशा आशा भी मेरे साथ जैसे मैं अपनी चाय पीती है, हम दोनों सेम चाय पीते हैं। मुझे जैसे मेरी चाय मिल जाए पी लेती, बस खुद नहीं बना सकती, सब कुछ डाल के मैं चाय रख बस मेरे आगे भेज दें, मैं चाय हो जाती है बन जाती है भाई इजी, पर हमेशा मुझे खुद ही चाय बनानी पड़ती है। तो कुछ लोग ना पानी रखते हैं उसे पकाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, दूध डालते हैं उसे पकाते हैं और चाय नहीं कुछ और बन जाता है। तो लेकिन जो मैं करती हूँ ना, वो पानी दूध पत्ती चीनी डाल के मैं रख देती हूँ उसको, अगर हमने इसको ज़्यादा पकाना है तो पका लेते हैं, नहीं तो कभी कभी जल्दी होती है हम जल्दी पी लेते उतार के पी लेते हैं। ये देखिए मैं चाय में रख दिया, अब यहाँ पकेगी चाय। अब जैसे ये चाय बनती है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि हम पकौड़ों के साथ आज क्या खाएंगे, पकौड़ों के साथ स्पेशल चीज़ है, चले आएँ। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मैं पकौड़ों के साथ एक स्पेशल चीज़ बना रही हूँ। ये देखिए ये है मनपसंद होम बेकरी की तरफ से मुझे आई है चटनी, ओपन करती हूँ चटनी को, देखते हैं कैसी चटनी है। तो ये देखें इसे मिक्स किया, और ना मैं हम ना ज़रा ना मतलब लाइट लाइट खाते हैं, स्पाइसी इतना नहीं खाते, तो मैं इसमें सिर्फ ना एक चम्मच ऐड करूँगी ऐसे, ठीक है? ठीक है आशा, ठीक एक ठीक है ना। तो इसको मैं बंद करती हूँ, अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। और इसका कलर देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, ये देखें। देखिए बूंदी के साथ भी हम खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, कबाब टिकों के साथ, फिश के साथ भी, और भी ऐसी जो चीज़ें फ्राई चीज़ें उनके साथ हम खा सकते हैं। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही दही की, और इसकी ना खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना आशा, आशा को भी आ रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो आज तो हम ट्राई करेंगे, पकौड़ों के साथ खाएँगे, फिर मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ कि हमें कैसी लगी। और अगर आप भी इस तरह की चटनी ऑर्डर करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो इनके पेज पर जाएँ, इन्हीं को ऑर्डर मैंशन करेंगी, मनपसंद होम बेकरी। तो थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे ना मतलब मज़े की चटनी भेजी। चाय भी आ गई है, सबसे पहले पकौड़ों के साथ ना आज हम कैचअप नहीं खाएंगे, आज बहुत अच्छी चीज़ आई है। ये देखें ये मनपसंद होम बेकरी वालों ने मुझे ये भेजी चटनी। अगर आप चटनी खाना चाहते हैं चटनी भी खा सकती हैं, मैंने दही में मिक्स किया, मैंने कहा स्पाइसी ना हो जाए आपके लिए, तो आप ये भी खा सकती हैं आज। और तो मुझे टेस्ट करके बताएं कैसी है ये, मैंने लाइट रखा मैंने चटनी। मतलब चम्मच से क्या पड़ेगी, डाल दी अम्मी ने कहा थोड़ी और डाल दो, मैं डाल दी है। तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ, अम्मी ने कर लिया मैं करती हूँ। चटनी बहुत मज़े की है, मुझे भी टेस्ट करना कि बहुत मज़े की है, मज़े की बनाई उन्होंने। फिश के साथ भी खा सकते हैं, कबाब टिक्के जो होते हैं उसके साथ भी हम खा सकते हैं, मूली वाली रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं, आलू वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सीजन ऐसा है तो जो भी चीज़ फ्राई वाली चीज़ हम इसके साथ खा सकते हैं। चटनी बहुत मज़े की यार। तो अच्छा आप टेस्ट कर लिया, आप बताएं कैसे लगी आपकी चटनी, आप पीछे रह जाती हैं हमेशा। चलो जी आशा आप टेस्ट करें, और मम्मा अभी कैसी लगी चटनी, अच्छी लगी? अब मोल भी टेस्ट कर गई है, मोल अब टेस्ट करो कैसी लगी आपको दही में चटनी, ये वाली चटनी खाओ मुझे बताओ, मज़ेदार है ना। अब हम दही मूदी बनाएंगे उसके साथ खाएंगे, ठीक है ना? तो आशा आप बताएं, अच्छी लगी, डिफरेंट ना, किसके साथ खानी चाहिए आपके ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा है कीमे के साथ? हाँ कीमे में रोटी भी होती है पता। तो अब टाइम आ चुका है, आप सब बहुत ज़्यादा वेट भी होंगे कि मरियम कह रही थी कि किसके आने की खुशी में मैंने आज टी पार्टी दिया, सबको चीज़ें बनाई हैं, पकौड़े और फ्राइज और भी चीज़ें मॉल के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ विंटर आने की खुशी में मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं खाने वाली, क्योंकि विंटर में ना हम सब ना पकौड़े और फ्राइज एंड मॉल खाती हैं, हम सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मम्मी से पूछते हैं, अभी चाय पी रही हैं, तो साथ साथ मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपको समर अच्छा लगता है कि विंटर का मौसम अच्छा लगता है? विंटर अच्छा लगता है। अच्छा वो क्यों? बस समर नहीं अच्छा लगता, गर्मी होती है, कुछ खाया नहीं जाता। अच्छा इस मौसम में हर चीज़ खा लो। अच्छा चलो अनमोल से पूछते हैं, अनमोल आपको क्या अच्छा लगता है, समर के विंटर? विंटर विंटर में क्या होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवाब दिया है बहुत अच्छा, वो समझदार है। बर्फ पड़ती है, मतलब बर्फ ही नहीं पड़ती है। सर्दी है ना, जब ज्यादा सर्दियाँ होगी ना, फिर मैं बर्फ में जाऊंगी, मड़ी में जाएगी। अनमोल को कहने का मतलब है कि मुझे ना
मड़ी मतलब ठंडक अच्छी लगती है विंटर के बर्फ पर। हाँ ये अनमोल कह रही है, अनमोल बिल्कुल अपनी मेरी पप्पो पे है, मेरी पप्पो को भी अच्छी लगती है बर्फ, वही पप्पो भी बहुत शौक से जाती है। तो आशा से पूछती है, आशा आ गई है, तो आशा आपको विंटर अच्छा लगता है कि समर? आज सच बताना है मुझे ना तो ज्यादा गर्मी अच्छी लगती है ना ज्यादा सर्दी अच्छी लगती है। अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल का जो होता है ना मन वो तो, अच्छा देखिए मतलब दरमियाना मौसम जी, ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। हाँ और मुझे भी यही अच्छा लगता है दरमियाना, अगर ठंड अच्छी लगती है तो सिर्फ कोट्स वगैरह पहनने के लिए अच्छी लगती है, घूमने फिरने के लिए। अच्छा और अब हम पूछते हैं ज़ियान से ज़ियान की पहली विंटर है। हाँ ज़ियान इसलिए ना बड़ा परेशान है, चुप चुप ऐसे सॉक्स डालते हैं उतार देता है, शूज डालते हैं उतार देता है, कैप नहीं पहनता। हाँ कैप नहीं पहनता लगती है अभी भी। और मम्मी वापस पूछते हैं आपको विंटर अच्छा लगता है कि समर? मुझे नवंबर का मौसम अच्छा लगता है। ये वाला जो है ये नवंबर अच्छा, सर्दी में ना कुछ दिन नहीं करता करने का, लगता बस लड़ाई में कंबल में बैठे। अच्छा और अम्मी की मुझे एक बात याद है, अम्मी पता कहती थी, अम्मी कहती थी मुझे ना सर्दी है ना अच्छी लगती हैं, तो ना गर्मियों में यह होता है कि पसीने आते हैं, पंखे लगते हैं, इंसान ये मुश्किल होती है, लेकिन विंटर में यह होता है कि इंसान एक जगह एक नुक्कड़ में बैठ सकता है कोने में। विंटर में ना किचन का काम भी अच्छा रहता है, मज़ा आता है काम करने का। हाँ किचन में अभी थोड़ी सर्दी है ना, थोड़ी खाऊंगी जब ज्यादा सर्दी। मुझे सबसे बुरा मौसम लगता है बरसात का, जब बाल खराब हो जाते हैं तो शैम्पू भी करो बाल ठीक नहीं होते, मुझे वो मौसम बहुत बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, और पसीने बहुत आते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे विंटर का मौसम अच्छा लगता है बस, और दरमियाना मौसम अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है सारे मौसम अच्छे लगते हैं मुझे। चले अम्मी आपने खा लिया, आप उठ जाएँ आप। अम्मी टी पार्टी पे आई थी, अम्मी उठ के चली गई हैं, चले जी अम्मी ने चाय पी ली है, अब चाय रह गई है मोमना भाभी और मेरी, और आज मैंने चाय बनाई है स्पेशल मोमना भाभी के लिए, पता नहीं मोमना भाभी को पसंद आती कि नहीं आती, मैंने बनाई बहुत पतली चाय बनाई आज, चले आज पी आप। मुझे तो बहुत मजा आया था, मजा आया ना, थैंक यू कह दो मेरे पापा को। चलो जी वेलकम, अब मैं भी चाय पीने लगी हूँ। मैंने खाना नहीं खाया था, यही खा के पेट भर गया मेरा, ये चीजें हैवी होती हैं ना इस वजह से, चाय पी के हजम। तो ये देखिए अली भाई भी यहाँ पे पकौड़े टेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही चटनी है, चटनी बताएं कैसी है मुझे बताएं आप, मज़ेदार है चटनी। तो अली से भी पूछते हैं, अली आप बताएं आपको विंटर ज़्यादा अच्छा लगता है कि समर, दोनों में से कौन सा सीज़न अच्छा लगता है? दोनों अच्छे लगते हैं, अल्लाह का शुक्र है दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ क्योंकि समर में आम होते हैं, आम खाते हैं अली, रोज़ खाते हैं आम, है ना, और विंटर में कौन सा फल अच्छा लगता है? हर मौसम इंजॉय करता हूँ मैं। हाँ अली का सवाल सबसे बेस्ट है, जवाब सवाल नहीं। तो चले जी हम आ चुके हैं अक्षरी पास, विंटर के बहुत सारे कपड़े थे तो इसलिए हम टेलर के पास आए, टेलर को हम लेंगे अक्षरी कपड़े से चौंके, फिर आशा आपके साथ वीडियो शेयर करेंगी, अक्षरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही हैं, अक्षरी चैनल बनाई स्टाइल आशा पे, तो आज आके आप ब्लॉग नहीं देखेंगे। तो चले तो आशा आपके कपड़े दे दिए मेरे टेलर को स्टिच होने के लिए, तो आपने मेरा काम है लाजमी जो रह जाता है हमेशा, मुझे याद आता है कि जैसे मैं बाहर आऊँ तो मुझे आज याद है, मैं लाजमी लेके जाऊँगी, मैंने हैंड फ्री देना है, मैंने सॉन्ग सुन लेते हैं तो मेरे पास हैंड फ्री ख़राब हो चुका है, तो चलो अभी मैं हैंड फ्री देती हूँ, आप भी मेरे साथ आए। चलिए रखिए ले लिया, ठीक है मैंने वाइट नहीं लिया, ब्लैक नहीं लिया क्योंकि मैं हमेशा ब्लैक में लेती हूँ, तो मैं सोचा आज मैं वाइट में लूँ, आशा के पास भी वाइट नहीं आया, ठीक है चलो तो ठीक है, चलता ही नहीं है इतने थोड़ी देर चलता है ख़राब हो जाता है, महंगा लेंगे सस्ता लेंगे, मैंने तो सस्ता लिया है, मुझे पता है एक दो तीन दिन चलना है बस। तो चले अपने और भी चीज़ें लेनी, आपको पता है अंडे भी तब होने हैं नाश्ते के लिए, चलो क्योंकि सर्दी अच्छा बंडा खाते हैं शौक से। चलो चलो आ जाओ, ठीक है ग्रीन। हाँ ये अच्छी डेट डेट का डेट 27 है, दोनों ब्रेड मैंने ले लिया, अपना जो लाजमी चीज़ होती है वो अंडे यहाँ से उठाती हूँ, एक पैकेट एक ही दो पैकेट खाएंगे हम, दर्जन ले लिया ये, चलो बिल बनाते हैं।
सारा सामान हमने ले लिया है, जो भी लेना था हमने, और शॉपिंग भी कर ली है इतनी देर में, सात कपड़े भी हमने ले लिए, मेरा तो हर चीज़ है, एंट्री भी नहीं ले लिया, चलो आप घर चलो, अब मैं घर जाके ना फिर ना कुछ खाते पीते हैं, और वैसे भी ठंड हो रही है, ऊपर देखने का स्मोक है, चलिए ऐसा आ जाए। तो सबने अपनी अपनी पसंद बता दी कि किसको विंटर पसंद है, किसी को समर पसंद है। तो ना मैं बताती हूँ कि मुझे ना विंटर बहुत अच्छा लगता है, और समर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें मैंगो मतलब खाने को मिलते हैं, मुझे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से ना मुझे ना मतलब समर इसलिए अच्छा लगता है थोड़ा बहुत मैंगो की वजह से। और जो विंटर है, विंटर में ये होता है कि इंसान ना मुझे मतलब अनमोल ने जैसे कहा कि मुझे ना बर्फबारी स्नो अच्छी लगती है, तो वैसे मैं भी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और विंटर ना विंटर भी होता है कि ना इंसान ना एक जगह ना बैठ सकता है, मतलब एक जगह बैठ सकता है, और वो समर में ना इतना मुश्किल होता है कि पसीने पसीने जो बरसात का मौसम होता है वो तो बहुत ही गंदा होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो विंटर है ना, विंटर में जो मतलब विंटर थोड़ी देर के लिए होता है और ना बहुत ही मज़े का होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें खाने को मिलती हैं। और समर में ये है कि ना सिर्फ ना मैंगो मुझे अच्छा लगता है, बस जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन का प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से हर हर नई वीडियो अब तक पहुँचेंगे। मेरा इंस्टा फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा, जो मुझे देख रहा है मुझे लास्ट में फॉलो करें, जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो लास्ट में फॉलो करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।